वर्तमान में बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। 2016 से इस कानून को लागू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कानून को बिहार में लागू किया है, जिसके बाद शराब की तलाश में हर रोज पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम 4000 से अधिक छापेमारी कर रही है। नवंबर माह में हर दिन औसत 10000 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई है, तो वहीं जबकि रोज 1529 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनराज ने बताया है कि नवंबर माह में पुलिस और उत्पाद टीम ने 1,28,462 छापेमारी की है, जिसमें 45,876 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें उत्पाद टीम में 25,020 जबकि पुलिस ने 20,856 गिरफ्तार की है, तो पूरे माह 3,02,541 लीटर शराब जब्त किया गया है। इनमें 1,73,000 लीटर देशी शराब जबकि 29,000 लीटर विदेशी शराब बरामद किए गए हैं। तो वहीं शराब से जुड़े मामले में 1,469 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इस दौरान होम डिलीवरी करने वाले 952 व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया है। एक साल में पकड़े गए 739 VIP हैं, तो वहीं पिछले एक साल में शराब के नशे में 739 VIP को पकड़ा गया है। इनमें सबसे अधिक 84 सरकारी कर्मी हैं, 64 जनप्रतिनिधि हैं, तो वहीं 23 डॉक्टर हैं। सबसे ज्यादा सरकारी कर्मी इसमें पकड़े गए हैं, 13 अधिवक्ता शामिल हैं। तो वहीं अप्रैल में शराबबंदी संशोधन कानून लागू होने के बाद से धारा 37 के तहत 1,011 लोग दोबारा शराब पीते पकड़े गए हैं। तो वहीं इनमें पुलिस ने 513 जबकि उत्पाद विभाग ने 458 लोग गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें आपको कि 4 माह में 92% सही जो तमाम सजा है वो दर रही है। तो वहीं बता दें आपको उत्पाद आयुक्त ने बताया है कि 3 दिसंबर तक जो है 1,43,355 ट्रायल शुरू हो चुका है, जिनमें 83,254 ट्रायल पूरे हो चुके हैं। तो अभी देखा जाए तो 83,000 से अधिक लोगों को सजा दी गई है, जबकि 975 व्यक्ति दोष मुक्त हुए हैं। तो वहीं देखा जाए तो पिछले 4 महीने में सजा दर जो है 92% रहा है। 1 मई से 3 दिसंबर तक 2937 ट्रायल पूरा हुआ है। तो वहीं बता दें आपको कि जिनमें 2789 लोगों को सजा दी गई है, इनमें 89 को 5 वर्ष 5 को देखा जाए तो 6 वर्ष, तो वहीं 14 को 7 वर्ष, जबकि 23 व्यक्तियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। तो फिलहाल वर्तमान में बिहार में शराबबंदी है और लगातार कार्रवाई हो रही है, और जो शराब पी रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों को 5 से 6 वर्ष की जो सजा है वो सुनाई गई है। तो वहीं लगातार बिहार में शराबबंदी कानून कैसे सफल हो, इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं उत्पाद विभाग हो या फिर तमाम अलग अलग जो विभाग है शराबबंदी कानून को लागू करने में लगा हुआ है। 10,000 लीटर शराब रोज हो रहे हैं वहीं गिरफ्तार, तो वहीं 1529 तस्कर गिरफ्तार हो रहे हैं। 10,000 लीटर शराब बरामद हो रहे हैं, तो वहीं 1529 तस्कर लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन देखा जाए तो पुलिस लगभग रोज ही हजारों लीटर शराब बरामद करती है और वहीं नष्ट भी करती है। इस दौरान चंगुल में शराब तस्कर भी फंसते हैं और जिनको जेल भी भेज दिया जाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो लोग शराब पीते हैं वो सावधान रहें, और बिहार में शराबबंदी कानून लागू है इसको देखते हुए शराब का सेवन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।